श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव मिशीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरुनिसा मान कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रभा कौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिनशासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों एवं बहनों, सदगुरु आगम कहानियों में प्रतिदिन आप आगम की कहानियां श्रवण कर रहे हो। इन कहानियों से हमारे जीवन के नए आयाम, नई प्रेरणा और नई दिशा जग सकती है। एक एक छोटे से बोध को, छोटे सी प्रेरणा को लेकर हम हमारे जीवन को सुधार सकते हैं और इसीलिए यह प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। भगवती सूत्र के 7वें शतक के 9वें उद्देशक में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, रथ मुसल संग्राम और महाशिला कंटक संग्राम में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? आपने अभी तक महाभारत का युद्ध देखा, टीवी में श्रवण किया, आपने राम और रावण का युद्ध देखा, लेकिन जैन आगमों के इतिहास के पन्नों पर आए हुए यह युद्ध की जो शायद हर किसी को पता नहीं होंगे। महाशिला कंटक और रथमुसल संग्राम होने का पहले हम कारण देखेंगे। कौनिक श्रेणिक राजा के पुत्र थे कौनिक, और जिनके दो भाई थे हल और विहल। श्रेणिक राजा के रहते हुए कौनिक ने राज्य लिप्सा के कारण श्रेणिक राजा को बंदी बना दिया और स्वयं राज सिंहासन पर आसीन हो गए। जो अपने छोटे 10 भाई थे विमाता के, उन 10 भाइयों को अलग अलग राज्य सौंप दिया। हल विहल या कौनिक के ही राज्य में रहते थे। हल विहल के पास सेचनक हाथी और 18 लड़ी वाला हार था। सेचनक हाथी को लेकर वह गंगा नदी के किनारे जाते वह हाथी गंगा नदी के किनारे क्रीड़ा करता, अपनी सोंड में रानियों को उठाता, ऊपर बैठा था। इस तरह से कई प्रकार के भोग उपभोग, कई प्रकार के आनंदमय क्रीड़ा करता था। लोग देखते तो सोचते कि सही राज्यश्री का उपभोग तो कौन कर रहा है, हल और विहल, कि जिसके पास में सेचनक हाथी और 18 लड़ी वाला हार है। यह सेचनक हाथी पर बैठकर वह चंपा नगरी में घूमता था और आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा था। यह चर्चा कौनिक की रानी पद्मावती के कानों तक पहुंची कि सही राज्य का भोग हल विहल और उसकी रानियां कर रहे हैं, उनके पास 18 लड़ी वाला हार है और सेचनक हाथी है। पद्मावती रानी ने जैसे ही सुना तो मन में ईर्ष्या के भाव जागृत हो गए। कहते हैं, दिए से दिया जले सुनी सुनाई बात, दिए से दिया जले सुनी सुनाई बात, पर आदमी से आदमी जले आश्चर्य की बात। आदमी से आदमी जलता है यह आश्चर्य की बात है। किसी के सुखों के साधनों को देखकर मन में ईर्ष्या हो गई, लेकिन ईर्ष्या करने से वह सुख के साधन प्राप्त तो नहीं होते हैं, पर स्वयं के पास में जो होता है उसका व्यक्ति उपभोग नहीं कर सकता। पद्मावती ने कौनिक से कहा कि वह 18 लड़ी वाला हार और सेचनक हाथी हमें चाहिए। कौनिक कहता है कि यह जो हार हाथी है पिताजी ने अपने रहते हुए हल विहल को दिया, उस पर उनका ही अधिकार है, इसलिए हम यह हार हाथी की मांग नहीं कर सकते। पर नारी का स्वभाव स्त्रीहट, एक बार जो बात दिमाग में बैठ गई वह बैठ गई। अब रानी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि जब तक हार और हाथी ना मिल जाए।
बार 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 कोनिक जब भी आते तब कुनिक के सामने यही बात होती थी। कुनिक ने हल विहल से कहा कि हार और हाथी मुझे दे दो। मजबूरन होके कुनिक को कहना पड़ा, पर हल विहल कहते हैं कि हमारे पिताजी के रहते हुए हमें यह हार और हाथी दिया गया, इसलिए हम आपको यह नहीं देंगे। फिर दूसरी बार भी तीसरी बार कहा, तब हल विहल ने हार और हाथी को लेकर अपनी रानी रानियां आदि सभी को लेकर वैशाली नगरी में चेतक नाम के जो राजा थे, जो हल विहल के नाना थे, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर राजा के शरण में पहुंचने के पश्चात कोनिक को जब पता चला कि हल विहल यह चेतक राजा के पास में पहुंचे हैं, क्योंकि तीनों सगे भाई थे, यह जब नाना के पास में पहुंचे हैं, तो कोनिक ने दूत को भेजा और दूत के साथ में समाचार भेजे कि हल विहल को हार और हाथी के साथ में भेज दिया जाए, वो अपने अंतपुर के साथ में बिना मुझे पूछे ही चला गया है। तब नाना चेतक कहते हैं कि मेरे शरण में यह आया हुआ है और मेरे शरण में आने से मैं इन्हें भेज सकता नहीं। फिर दूसरी बार दूत को भेजा कि आप हार और हाथी लौटा दीजिए। तब चेतक कहता है कि हार और हाथी भी लौटा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम आधा राज्य इन्हें दे दो। कोनिक कहता है, मैं आधा राज्य भी नहीं दूंगा और हार हाथी भी मुझे चाहिए। तीसरी बार दूत के साथ में समाचार भिजवा दिए कि अगर आप हार और हाथी नहीं देते हैं, हल विहल को नहीं भेजते हैं, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। नाना चेतक चिंतन करने लग गए कि कुनिक भी मेरा दोहित्र है, हल विहल भी यह मेरे दोहित्र चेलना के ही पुत्र है, लेकिन यह मेरे शरण में आए हुए है और शरणागत की सुरक्षा करना, रक्षा करना यह मेरा परम कर्तव्य है। और इसलिए उन्होंने 9 मल्ली और 9 लच्छी देश के राजाओं को बुलाया, 18 देश के राजा को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। राजाओं ने कहा कि यह हार और हाथी जब सैनिक राजा ने दिए हैं, तो हार पर और हाथी पर इनका ही अधिकार है, और शरणागत में जब आए हैं तो इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी भी आपकी है, इसलिए युद्ध होना ही चाहिए। जब 18 देश के राजाओं ने यह सुझाव दिया, तब चेतक राजा ने प्रस्ताव भेज दिया कि हम युद्ध करने के लिए तैयार है। इधर कोनिक राजा युद्ध करने के लिए अपने 10 भाइयों को बुलाया और 10 भाइयों को कहा कि अपनी अपनी सेना लेकर तुम आ जाओ। वह 10 भाई को लेकर कोनिक चेतक राजा की राजधानी वैशाली की ओर गया। 33,000 हाथी, 33,000 घोड़े, 33,000 रथ और 33 करोड़ पैदल सेना कोनिक के पास थी, और चेतक राजा के पास 57,000 हाथी, 57,000 घोड़े, 57,000 रथ और 57 करोड़ पैदल सेना। युद्ध शुरू हुआ। चेतक राजा यह भगवान महावीर के परम उपासक श्रावक थे, श्रमणोपासक श्रावक थे, और उनका नियम था जब वह घोड़े पर बैठते थे तो पूंजनी से पूंज कर फिर घोड़े पर बैठते थे, और उनका दूसरा नियम था युद्ध में जब वह जाते तो सबसे पहले सामने वाला वार करता तो ही वह वार करते, और दिन में एक ही बार वार करते थे, यह चेतक राजा का नियम था। चेतक राजा युद्ध के पहले दिन काल कुमार आदि 10 जो राजकुमार थे, पहले दिन काल कुमार सेनापति बना, और चेतक राजा ने एक वार किया तो काल कुमार मृत्यु के गर्त में चले गए। ऐसे 10 दिन तक 10 राजकुमार एक ही बाण से मृत्यु के मुख में चले जाते। 10 दिन पूरे हो गए। 11वें दिन कोनिक ने सोचा कि चेतक राजा का अभेद्य बाण है, एक ही बाण में मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, तो अब क्या किया जाए। उस समय कोनिक राजा ने 3 दिन के लिए युद्ध स्थगित कर दिया और तेले तप की आराधना की। तेला तप की आराधना करते हुए वह अपने मित्र देव को आह्वान करने लग गए। पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र और चमर चंचा के इंद्र चमरेंद्र, जो पूर्व भव में कोनिक के दोनों ही मित्र थे, यानी कार्तिक सेठ और पूरन तापस, इन दोनों का कोनिक के साथ में मित्रता का संबंध था।
दोनों को जब स्मरण किया, दोनों भी वहां पर तेले के दिन पहुंच गए और उसके पश्चात यानी 10 दिन तक 10 राजकुमार मृत्यु के मुख में जाने के पश्चात 3 दिन तक युद्ध बंद रहा और उसके पश्चात असुरेंद्र और देवता के इंद्र शकेंद्र और मनुजेंद्र यानी कौनिक राजा इन तीनों के वे देवेंद्र मनुजेंद्र और असुनेंद्र यह एक और यह तीनों और एक तरफ 18 देश के राजा आदि सेना थी। और उस समय सबसे पहले महाशिला कंटक नाम के युद्ध की रचना हुई। यह महाशिला कंटक नाम इसलिए रखा गया कि उस युद्ध में किसी के ऊपर तीन पत्ता कंकर या काष्ट भी गिरता तो उन्हें ऐसा लगता कि बहुत बड़ी शिला हमारे शरीर पर गिर रही है, बहुत बड़े शिला से हमारे शरीर देह का यानी देह को चोट लग रही है, ऐसा उन्हें एहसास होता। कि पत्ता भी गिरा तो पत्थर का बड़े शिला का उन्हें एहसास होता था, इसलिए इस युद्ध का नाम महाशिला कंटक रखा गया और जिसमें 84 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह महाशिला कंटक युद्ध होने के पश्चात और इस युद्ध में कौनिक के पास में भूता उदाई नाम का हस्ती था, जो अकेला हस्ती यानी वह हाथी उसमें अकेले में ही शक्ति थी कि वह सारे सेना को परास्त कर सके। यह महाशिला कंटक युद्ध होने के पश्चात दूसरे बार रथमुसल संग्राम की रचना हुई और रथमुसल के संग्राम में ना कोई शस्त्र अस्त्र ना रथ ना सारथी कोई भी नहीं, सिर्फ एक बहुत बड़ा रथ और मुसल वह रथ युद्ध मैदान में दौड़ता था और उससे कई शत्रु प्राणांतक यानी ऐसा कष्ट होता था, कई शत्रुओं का उसमें घात हो गया। इस तरह से चमरेंद्र और शकेंद्र ने दोनों ने भी कौनिक को साथ दिया क्योंकि पूर्व भव का मित्र होने के कारण शकेंद्र ने कहा कि मैं युद्ध में तो आऊँगा लेकिन चेतक यह परमात्मा का श्रमणोपासक है, सुश्रावक है, मैं उसे मारूंगा नहीं, तुम्हारी रक्षा करूंगा पर उसे मारूंगा नहीं। दोनों सुरेंद्र असुरेंद्र और देवेंद्र और यह मनुजेंद्र यानी कौनिक राजा ने अपने भूतानंद हाथी पर बैठकर यह रथमुसल संग्राम की विकुरना की और उस समय इस दोनों युद्ध में मिलकर महाशिला कंटक युद्ध में 84 लाख मरे और रथमुसल संग्राम में 96 लाख लोग मरे। इस तरह से 1,80,00,000 लोग उस युद्ध में मृत्यु के मुख में गए और उसकी 1,80,00,000 लोगों में 10,000 एक मछली के उदर में गए, एक देव गति में गया, एक मनुष्य गति में और बाकी के सारे नरक और त्रियंच गति में गए। उसी युद्ध में चेतक राजा के आज्ञा से उसी वैशाली नगरी में वरुण नाग नथुआ नाम का श्रुश्रावक श्रमणोपासक था, जो 9 तत्व का जानकार था, 25 क्रिया का जानकार था, बेले बेले की तपस्या करने वाला था, आद्य दीप्त अपरिभूत ऐसा वह श्रावक था। और जब चेतक राजा ने उन्हें आज्ञा दी, उन्हें बेले का तप था, उन्होंने सोचा कि मुझे युद्ध में जाना है तो मैं तेला कर लेता हूँ और तेले के प्रत्याख्यान कर लिए, तेला करके वह युद्ध में गए। उनको भी नियम था, वरुण नागनथुआ जो श्रावक था उसे भी नियम था कि सामने वाला पहले बाण छोड़ता है तो फिर उस पर आक्रमण करे। तो उस समय वरुण नागनथुए पर एक सैनिक ने बाण छोड़ा और उससे वह अत्यंत घायल हो गए। घायल होने के पश्चात उन्होंने जाना कि अब आयुष्य ज़्यादा नहीं है, तब उन्होंने युद्ध मैदान से अपना रथ मोड़ा और युद्ध के जो मैदान के किनारे पर आकर तृण का बिछोना किया, बिछोना कर संस्तारक पर पूर्व दिशा में बैठे और मुख करके बैठे और अरिहंत सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो, मेरे आराध्य भगवान महावीर जहाँ पर हो उन्हें मेरा नमस्कार हो और हे प्रभु आप मुझे जहाँ हो वहाँ से मुझे देखिए। और इस तरह से उन्होंने 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत ऐसे विनमन व्रत की उन्होंने पुनश्च स्मरण किए, 18 पापस्थान को ओसराया, समस्त जीवों को खमत खामना किया और चारों प्रकार का आहार त्याग कर संथारा संलेखना लेकर समता भाव में रखकर वह वरुण नागनथुआ पहले देवलोक में गए।
और वहां पर वरुण नाग नथु के इस संथारे मरण से व्यंतर देवों ने पंचवृष्टि की, देव दुंदु भी बजी, रत्नों की वर्षा हुई और सब उस वरुण नाग नथु के देव रीति को देखकर तब से कहते हैं कि युद्ध में जो मृत्यु के मुख में जाता है वह स्वर्ग के असीम सुखों को प्राप्त करता है, यानी वीर गति को प्राप्त करता है। पर परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि युद्ध में जाने के पश्चात जो संथारा संलेखना करता है, अठारह पापस्थान को ओसराता है, निरपक्ष भाव से जो युद्ध करता है उसे देवगति मिलती है, लेकिन जो शत्रुता के भाव के साथ, हिंसा के साथ युद्ध करते हैं उन्हें नरक त्रियंच योनि में भ्रमण करना पड़ता है। एक उसी युद्ध में इसी वरुण नाग नथुए का एक मित्र था और वह भी युद्ध में घायल हुआ। उसने देखा कि मेरा मित्र युद्ध भूमि से बाहर गया है, तो वह मित्र भी, वह बाल सखा भी उसी भूमि कर युद्ध के भूमि पर गया, बाहर के भूमि पर, और वहाँ पर उसने भी संथारा बिछाया। उसे धर्म की कोई जानकारी नहीं थी, पर उसने यह चिंतन किया कि जैसा मेरा मित्र वरुण नाग नथुआ, जिसने जो व्रत, विरमन व्रत, गुण व्रत लिए हैं, जिसकी उसने प्रतिलेखना की है, अठारह पापस्थान को उसराया, जैसी उसने आराधना की है, हे प्रभु मेरी भी वैसी ही आराधना है, मेरा भी वही विचार है, मेरा भी वही संकल्प है, मैं मेरे समस्त पापों को ओसराता हूँ। इस यह कहकर वह भी उसके जीवन का भी वहाँ पर अंतिम श्वासोश्वास, यानी इस भव का अंतिम श्वासोश्वास हुआ और वह मित्र भी उच्च कुल में मनुष्य के इसमें उसका जन्म हुआ। तो यह रथ मुसल और महाशिला कंटक जो महान दो बड़े युद्ध हुए, जिस युद्ध में 1,80,00,000 लोग मरे और उसमें से 10,000 एक ही मछली के गर्भ में, एक देवलोक में, एक मनुष्य में, और बाकी के सब त्रियंच और नरक में गए। परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि हे गौतम, इन दोनों युद्ध में 19 देश के जो राजा थे, 9 मल्ली, 9 लच्छी और 1 चेतक, इनकी हार हुई और कोनिक की जीत हुई। तो यह कथा भगवती सूत्र में चलती है, तो हमें इस कथा को सुनकर यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक हार और हाथी की जीत से पद्मावती रानी की एक जीत थी कि हार और हाथी, और उस हार और हाथी के कारण महाभयानक ऐसे यह युद्ध हुए जिसमें निरापराध कई लोग मृत्यु के काल में कौलित हो गए। तो हमारे जीवन में इस कथा को श्रवण करके हमें एक संकल्प करना चाहिए कि हमें किसी की कोई वस्तु को देखकर ईर्ष्या भाव मन में ना लाकर उसके प्राप्ति की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, इच्छाओं का दमन करना चाहिए। अगर हम इच्छाओं का दमन करेंगे और छोटी छोटी बात को लेकर अगर जिद नहीं करेंगे तो इस तरह के प्रसंग हमारे जीवन में आने से टल सकते हैं। तो यह कहानी सुनाने के पीछे यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। जय गुरु गणेश, जय।